स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पे। आज हम देखने जा रहे हैं नीना माई लव को। ये सुसी है, एक हाई स्कूल स्टूडेंट और काफी बोरिंग लाइफ होती है। इसका एक इकलौता फ्रेंड भी होता है जिसका नाम यूकी है। एक दिन स्कूल से आते हुए बस में सुसी हमें नीना के बारे में बताता है। ये दूसरे स्कूल की है और सुसी इसे काफी पसंद करता है, पर आज तक हिम्मत नहीं हुई कभी कि उसको जाकर कुछ बोल पाए। चुपचाप बैठकर उसको देखता रहता है और ये काफी टाइम से ऐसा चलता आ रहा है। लाइफ बहुत सिंपल होती है। एक समय यूकी इसे कॉल करके अपार्टमेंट बुलाता है। सुसी भागता हुआ जाता है और देखता है तो यहाँ पर यूकी ने नीना को किडनैप कर लिया होता है। सुसी शॉक्ड होता है कि क्राइम है, तुमने इसे किडनैप क्यों किया? ये मैंने इसको किडनैप कर लिया। सुसी फिर नीना को समझाता है कि डरो मत, हम तुम्हें जल्दी जाने देंगे। डरी से हमें नीना चिल्ला रही होती है हेल्प हेल्प, और पैनिक होकर सुसी इसको मारने लगता है जिससे ये बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद उठती है तो कहते हैं कि किसी को बताना मत, हम तुम्हें जाने देंगे। साथ ही सुसी को भरोसा नहीं हो रहा होता है कि यूकी अकेले किसी लड़की को किडनैप कैसे कर सकता है, तो पूछता है कि कौन था तुम्हारे साथ। यूकी भड़क जाता है, कहता है कि तुम मुझे हल्के में लेते हो क्या, मैं भी किसी लड़की को किडनैप कर सकता हूँ, वो भी अकेले। और दोनों की बातें नीना सुन रही होती है क्योंकि ये इसी की बातें कर रहे होते कि हम कैसे इसको बस में देखा करते थे, बाकी सारी चीजें। नीना को होश उड़ जाते हैं, अजीब सा बिहेव करने लगती है और दोनों लड़के इसके पास आते हैं, इसको डराने की खूब कोशिश करते हैं। यहाँ से एक क्लासमेट जिसका नाम जीमा होता है वो यूकी को मैसेज भेजता है क्योंकि इसी ने किडनैपिंग में हेल्प की होती है यूकी की। अब यूकी मैसेज देखकर टेंशन में आ जाता है और उसमें है कि जीमा यहाँ पर आ रहा है बहुत जल्दी, नीना के साथ क्या करेगा वो ये इनको भी नहीं पता। इतने में जीमा बाहर आ जाता है, डोर पीटने लगता है और यूकी नीना को विंडो से भगा देता है और सुसी को भी उसके साथ जाने को कहता है, खुद वहीं पर रुक जाता है। जीमा अंदर आता है तो यूकी कहता है कि मुझे मार के कुछ गुंडे लड़की यानी नीना को लेकर भाग गए। पर जीमा काफी तेज होता है, कहता है अंदर से जब डोर बंद था तो ये सब कैसे हुआ। और ये कहता है ना कि सुसी उनके पीछे भागा उनको पकड़ने के लिए। यहाँ सुसी नीना ट्रेन स्टेशन पर आगे होते हैं दोनों। अब इसको घर जाना होता है नीना को, पर इसका बैग तो इसके पास होता नहीं है, तो ये पैसे मांगती है कुछ इससे। ये इसको दे भी देता है और उसको देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि आज जो मैंने किया इसके बाद तो ये मुझसे कभी भी नहीं दोस्ती करेगी। आज सुसी के लिए बहुत ही गंदा दिन होता है, उम्मीदें सारी छोड़ देता है कि मुझे कभी माफ भी करेगी जिंदगी में। अगले दिन यूकी को कॉल करके पूछता है कि तुम कैसे हो, कल क्या हुआ था वहां पर। यूकी बताता है कि जीमा को कल जैसे तैसे मैंने मना दिया था, वो मेरी बात मान गया था कि सच में गुंडे लेकर भाग गए हैं लड़की को। और सुसी समझ गया होता है कि मेरे दोस्त यूकी को कोई भी 2 मिनट के अंदर डरा धमका कर पागल बना सकता है। बट सच तो यह होता है कि जीमा से सब डरते हैं, स्कूल का सबसे पावरफुल स्टूडेंट होता है वो। एक्चुअल में एक तरह का बुली है वो, जो कि लड़कों को डरा धमका के कुछ भी करवाता रहता है। और यूकी के साथ भी उसने कल रात को वही किया था, अब उसी ने ही नीना को किडनैप करवाया था। और अगले दिन वापस से सुसी को स्कूल जाते हुए देखते हैं तो यहाँ पर नीना की फ्रेंड मैम ही इसको मिलती है। ये जानती है यूकी एंड सुसी के बारे में कि दोनों लड़के इसको देखा करते थे, घूरते रहते थे, तो इसके पास आती है और कहती है स्कूल के बाद मुझे पार्क में मिलना। और मैम ही पूरे स्कूल में बोल देती है जाकर कि नीना का सुसी नाम का लड़का एक पीछा किया करता था। स्कूल में भी हम देखते हैं यूकी को जिसको जीमा ने पकड़ लिया होता है और ये भगता फिर रहा उनसे। और ये सब कुछ जान गया होता है कि यूकी ने कल रात इसको पागल बनाया था, नीना को इसी ने भगाया है। इसे धमकाता है कि अगली बार अगर तूने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। यह पार्क में सुसी मैमी से मिलता है और ये सब कुछ बता देता है इसको कि क्या हुआ था। मैमी को गुस्सा आता है, मेरी बेस्ट फ्रेंड को परेशान किया तुम लोगों ने, सुसी ने तो इसे बचाया था, फिर भी इस पर इसको भरोसा नहीं हो रहा होता है। मीमा फिर घर आती है और यहीं पर नीना होती है और केक लेकर आई होती है, इसको खिलाती है, बताती है कि जिसने कल तुम्हें बचाया था ना ये केक उसी ने दिया। यही बार सुसी इसके घर के बाहर ही होता है, नीना को देख रहा होता है। नीना आती है बाहर, केक फेंक के मारती है इसको और कहती है कि अबे हरामी, तेरी वजह से मैं सो नहीं पा रही हूँ, घर से बाहर नहीं जा पा रही हूँ। सुसी इसे सब समझाना चाहता है कि मुझे गलत मत समझो, और यूकी मेरा बेस्ट फ्रेंड है और वो एक अच्छा लड़का है, हम दोनों ने कुछ भी नहीं किया है, और जीमा असली किडनैपर है। नीना का कहना है कि जो भी हो तुम दोनों गलत हो। और अब तो सुसी समझ गया होता है कि जिसे ये पसंद करता था ये लड़की तो अब इसके हाथ नहीं आने वाली, और नीना सारा इल्जाम इस पे ही लगा रही होती है। उसी दिन से सुसी इसका बॉडीगार्ड बन जाता है और स्कूल ले जाने का छोड़ने का सारा काम ये करता रहता है इसका। और अब तो बाहर भी इसके साथ ही जाता है, इसे ये काम करने में बहुत मजा आ रहा था क्योंकि जिस लड़की को ये पसंद करता है उसके साथ रहने को मिल रहा है, टाइम बिताने को मिल रहा है, भले ही कैसे मिल रहा है वो फर्क नहीं पड़ता है। नीना कैरियोकी भी जाती है, ड्रिंक भी करती है और नीना इसे अजीब अजीब हरकतें करवाती रहती है। इसकी तो मानो किस्मत ही चमक गई होती है कि लड़की के साथ ना कभी बाहर तक नहीं गया था ये, और अब इसके साथ ही घूम फिर रहा होता है बॉडीगार्ड बन के। नीना इसे माफ करने के बदले कहती है कि बॉडीगार्ड बन जाओ, और उसी बात पर ये माना होता है।
और इसे कहती है कि तुम रोज रात को 12 बजे मुझे कॉल करना। अभी बात काफी अजीब होती है। नीना जब घर जाती है तो उसको अच्छे से सब कुछ याद आता है कि जीमा ने इसे कैसे किडनैप किया था। और तो नीना को बस में गंदे गंदे आदमी परेशान भी करते रहते हैं, उसको टच करते हैं, धक्का मारते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये सुंदर लड़की है और यूज करने के लिए है, ऐसा हमें नीना बताती है। इसलिए नीना ने बोला था कि 12 बजे कॉल करना मुझे, क्योंकि ये सो नहीं पाती है, इसको वही सब बातें याद आती है जिसकी वजह से नींद उड़ जाती है। नीना का मानना है कि सूसी की बोरिंग और बकवास कहानियां सुनकर मैं थक जाऊंगी और मुझे नींद आ जाएगी। उस हादसे के बाद यूकी ने जीमा से डर के मारे स्कूल ही छोड़ दिया होता है और सूसी को बताता है कि जीमा ने कैसे मुझे यूज किया था। किडनैपिंग डे को यूकी ने रोड पर पेन होने का ड्रामा किया और फिर नीना उसके पास आई और बस ये सारी चीजें हो गई। और जीमा अभी भी नहीं सुधरा है, अभी भी इन दोनों को परेशान करता है। और इस बार वो सूसी को फोर्स कर रहा होता है नीना को किडनैप करने के लिए, क्योंकि जानता है कि सूसी नीना के काफी करीब रहता है आजकल। अब इसको गुस्सा आ जाता है सूसी को, कहता मैं नहीं करूंगा, और ये जीमा को गलत गलत बोल देता है। और जीमा फिर इसको जान से मारने की धमकी देता है, उसको बहुत पीटता है और सूसी बेहोश हो जाता है। बेहोश होकर सोच रहा होता है कि अगर मैं कमजोर पड़ा तो मैं नीना की स्माइल को कैसे कायम रख पाऊंगा। इसके क्लासमेट आकर इसको बताते हैं कि जीमा को पुलिस ने पकड़ लिया, क्योंकि एक लड़की ने उस पर केस कर दिया है अटैकिंग का। पहले तो सूसी को लगता है कि नीना ने किया होगा, पर वो लड़की तो कोई ऑफिस वर्कर होती है। सूसी को लगता है कि जीमा उस लड़की को किडनैप कर रहा होगा, जब वो नीना को किडनैप नहीं कर पाया तो दूसरी लड़की को उठाने गया होगा। और स्कूल आकर नीना को बताता है सब कुछ। नीना के तो होश उड़ जाते हैं, पर नीना को सूसी के चोट दिखाई दे रहे होते, उसको फिक्र होती है। पर जीमा के पिता यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत रिच होते हैं, वो अकेले कर पहुंच गए होते जेल में, यानी जल्दी वो उसको जेल से निकाल देंगे। शाम को सूसी नीना से बताता है कि यूकी ने तुम्हें सॉरी कहा है, तुम चाहो तो वो तुम्हें सामने से भी सॉरी बोल सकता है। नीना सामने से सॉरी बोलने को कहती है और अगले दिन उससे मिलने के लिए जाती है बताई हुई जगह पर। यहीं पर सूसी भी आया होता है अपना गेटअप वेटअप चेंज करके, छुप कर इनकी बातें सुनने के लिए, देखने के लिए कि इसको कोई परेशान तो नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका बॉडीगार्ड है। यूकी नीना के पैरों में गिर के सॉरी कहता है और अपने फ्रेंड सूसी के बारे में गलत गलत बातें बोलता है कि मुझे बुली किया गया था, वो मेरा दोस्त नहीं है, गंदा लड़का है और मुझे बचाता भी नहीं था, और बहुत सारी चीजें। और ये सारी बातें सूसी चुपके सुन रहा होता है। दोस्त तो सपोला निकला इसका एक नंबर का, आंखों में आंसू आ गए होते हैं कि कैसा आदमी आ रही है। और उसी दिन से सूसी ने स्कूल और बॉडीगार्ड दोनों की नौकरी छोड़ दी होती है। और नीना समझ गई होती है कि अपने दोस्त से धोखा खाने के बाद तो कितने दर्द में है वो, तो उन्होंने इसको कॉल करती है, तो नीना इसको कॉल करती है बट कॉल नहीं उठाता। और सूसी नहीं जाना चाहता कहीं इसके साथ, जब वो बुलाती है तो नीना कहती है कि बॉडीगार्ड हो तुम्हें आना तो पड़ेगा, और नीना इसे खुश करना चाहती है। नीना का मानना है कि सारे लड़के सेम होते हैं, उन्हें बस सेक्स चाहिए होता है, उनको सेक्स के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। जब मैं सूसी से मिली तो पता चला कि कुछ लड़के सीधे भी होते, अच्छे भी होते, जो लड़कियों को ट्रीट करना अच्छे से और रिस्पेक्ट करना जानते हैं। घर जाते हुए सूसी इसे ब्रेसलेट गिफ्ट करता है, क्योंकि इसको पहनने से नाइटमेयर नहीं आते, ये गिफ्ट होता है एक तरह का नीना के लिए, क्योंकि नीना ने आज इसको खुश कर दिया। अगले दिन स्कूल भी जाता है ये और देखता है कि यूकी को दो लड़के फिर से पकड़ कर बुली कर रहे थे, मार पीट रहे होते। सूसी झूठ बोल के लड़कों को डरा के यहाँ से भगा देता है, पर स्कूल के बाद ये लड़के इसे ही पकड़ लेते हैं और मारने लगते हैं। पर यूकी आकर इस बार हिम्मत दिखाता है, इसको बचाता है और दोनों दोस्त भाग कर नदी किनारे जाते हैं। और एक्चुअल में यूकी सूसी से जलता था, क्योंकि सूसी की तरह स्ट्रांग नहीं होता है, ये वीक है जो नीना को सेफ रख सके और जीमा के सामने खड़ा हो सके। इसका मानना है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम दोनों अभी भी दोस्त हैं। और अगले दिन नीना के सामने जीमा जैसा एक लड़का आ जाता है, ये भागती है और सूसी को कॉल करती है, पर कोई आंसर नहीं आ रहा होता है सामने से। और रात भी हो गई होती है, ना ही कोई रिप्लाई है, तो इसको होने लग जाती है बहुत ज्यादा फिक्र। और यहाँ पर इस ड्रामे का पार्ट वन खत्म हो जाता है। इसके बाद क्या हुआ हम अगले पार्ट में देखेंगे, जो कि इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मैं सीरियस हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा पार्ट है वो। उसकी एंडिंग जो आप लोगों का दिमाग हिला के रख देगी कि आखिरकार जीमा जो है वो ये सब करता क्यों है और बाकी इन दोस्तों के बारे में क्या है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो उसको देखने के लिए और वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूँ तब तक लिए, बाय।